नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 7 लाख से अधिक वोटर डालेंगे वोट। के पाठक के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा जारी। बिहार में खनन विभाग का होगा अपना फोर्स। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में होगा जारी। बिहार में चावल की बढ़ी उत्पादकता। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 7 लाख से अधिक नए वोटर डालेंगे वोट। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। राज्य में इस बार 7,79,000 नए वोटर वोट डालेंगे और इधर बुजुर्ग वोटर के लिए आयोग की टीम उनके घर तक जाएगी। इससे उन्हें उनके मताधिकार का प्रयोग करने में आसानी होगी। इधर मतदाता की सूची के बारे में कोई गलती नहीं हो, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में 7,46,00,000 मतदाता है और 21,000 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। वहीं 1 करोड़ से अधिक मतदाता की उम्र 20 से 29 साल के बीच में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बिहार पहुंचे सैकड़ों खिलाड़ी। जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए दूसरे राज्य से सैकड़ों खिलाड़ी बिहार पहुंचे। आपको बता दें कि पटना में 25 फरवरी तक 41वां जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और राज्य में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फिलहाल अन्य राज्यों से 700 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, अन्य खिलाड़ी भी पहुंच रहे हैं। मालूम हो कि सॉफ्टबॉल खेल ओलंपिक में शामिल हो चुका है और कहा जा रहा है कि ओलंपिक में खेल के शामिल हो जाने के बाद इस खेल को प्रमोट किया जा रहा है, करियर बनाने के लिए ये एक अच्छा विकल्प बन चुका है। वहीं कई खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की है। बिहार को मिली करोड़ों की सौगात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यहां के लोगों को करोड़ों की सौगात दी है। यहां 1,555 करोड़ की योजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया और इसके साथ ही 1,321 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास हुआ। सीएम आवास स्थित संकल्प में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भवन निर्माण विभाग और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित 132 योजनाओं का शिलान्यास हुआ और लोगों को इससे फायदा जरूर मिलेगा। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे और इनके साथ ही भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। केके पाठक के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा जारी। केके पाठक के मुद्दे पर विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। आपको बता दें कि महागठबंधन के विधायकों ने केके पाठक पर कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कथित वायरल वीडियो को सदन में चलाने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी है और शिक्षा विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार की ओर से सभापति को इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया। केके पाठक को लेकर विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को भी विधानसभा में हंगामा किया है और विपक्षी सदस्य वेल में उतर गए। विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि केके पाठक को उनके पद से हटाया जाए। बिहार में खनन विभाग का होगा अपना फोर्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और सीएम के आदेश के बाद खनन विभाग के पिछले 1 साल के कार्यों की समीक्षा होगी और इसके साथ ही कंट्रोल रूम बनाने का आदेश दिया गया। राज्य में अब खनन विभाग का अपना फोर्स होगा। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और पिछले दिनों खनन विभाग के पदाधिकारी पर हमला हुआ था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि अवैध खनन को लेकर थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। वहीं अगर किसी क्षेत्र में अधिकारी पर हमला होता है तो वहां के पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे संबंधित पत्र विभाग को जल्द ही भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान हुई चोरी। गोपालगंज जिले में स्थित गांधी कॉलेज मैदान में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम आयोजित था। इसमें चोरी का मामला सामने आया। पूर्व उप मुख्यमंत्री को बिजली कर्मी ज्ञापन देने पहुंचे और इन कर्मियों से 60,000 रुपए की चोरी हुई। वहां एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि चोरों ने भीड़ को देखते हुए मौके का फायदा उठाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि इन्होंने करीब आधा दर्जन लोगों के पॉकेट से रुपए निकाल लिए और पुलिस ने चोरी करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में होगा जारी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 10 अप्रैल को जारी करेगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सूचना जारी की। आपको बता दें कि 3 राउंड में 11वीं में दाखिला लिया जाएगा और वेबसाइट www.ofss.bihar.in के माध्यम से नामांकन के लिए 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक खुला रहेगा। इसके माध्यम से नामांकन हो सकेगा और इसके बाद 8 मई तक स्कूल आवंटित किए जाएंगे। 16 मई से 11वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और 30 जून तक दूसरे राउंड में स्कूलों में नामांकन होगा। 31 तारीख तक एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि नए सत्र में इंटर की पढ़ाई डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी। के पाठक ने कुलपतियों के लिए जारी किया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कुलपतियों के लिए नया आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि विभागीय बैठक में अफसरों का भाग लेना जरूरी है, वहीं भाग नहीं लेने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। ये व्यवस्था कुलपति, परीक्षा नियंत्रकों और वित्त पदाधिकारियों के साथ ही अफसरों के लिए है। विश्वविद्यालयों के अफसरों को शिक्षा विभाग की बैठक में भाग लेना जरूरी है। के पाठक के आदेश पर शिक्षा निदेशालय रेखा कुमारी ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा और इसके जरिए विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों का प्रशासी विभाग है। मालूम हो कि 2 और 3 मार्च को शिक्षा विभाग ने कुलपतियों और कुल सचिवों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। नरेंद्र नारायण यादव ने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन कर दिया है। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद खाली है। संभावना जताई जा रही है कि नरेंद्र नारायण यादव निर्विरोध विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। नरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन करने के बाद कहा है कि वो उस जिम्मेदारी का पालन करेंगे जो उन्हें दी जाएगी। वो पक्ष के साथ ही विपक्ष के लोगों की भी बात सुनेंगे। उन्होंने विश्वास जताने के लिए पार्टी का आभार जताया, साथ ही विपक्ष के समन्वय के साथ सदन को संचालित करने की बात कही। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने किया नाम रोशन। नई दिल्ली में एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें बिहार के 2 साइकिलिस्ट ने मेडल को अपने नाम कर लिया है। इसमें छपरा निवासी सुहानी कुमारी ने कांस्य पदक जीत लिया, जबकि दरभंगा के जलालुद्दीन अंसारी ने रजत पदक जीता है। उसके बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उन्होंने कहा है कि इन खिलाड़ियों के लिए बिहार सरकार जल्द ही आगे के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए विश्व स्तरीय साइकिल उपहार में देगी और इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता मिलेगी और साथ ही ये बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाएंगे। बिहार में चावल की बढ़ी उत्पादकता। बिहार में चावल की उत्पादकता में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य के 7 जिलों में चावल का 108,490 टन से अधिक उत्पादन हुआ है और मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और साथ ही सीतामढ़ी जिले में चावल की पैदावार में बढ़त देखने को मिली। वृद्धि के मामले में मुजफ्फरपुर जिला चौथे स्थान पर है। यहां 1,192 किलो चावल की उपज हुई, जबकि बिहार में सबसे अधिक पैदावार लखीसराय, शेखपुरा और उसके बाद खगड़िया जिले में हुई है। इसमें समस्तीपुर टॉप 10 जिलों में शामिल है। आपको बता दें कि इधर पूर्वी चंपारण और मधुबनी जिले में चावल की पैदावार में कमी दर्ज हुई, वहीं बीते साल के मुकाबले इस साल उत्तर बिहार में चावल का उत्पादन अधिक हुआ। महागठबंधन की रैली में 20 लाख लोगों के शामिल होने का आरजेडी ने किया दावा। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली होगी और इसमें 20 लाख लोगों के शामिल होने का आरजेडी ने दावा किया है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि महागठबंधन की रैली हर हाल में होगी और उसमें 20 लाख लोग शामिल होंगे। गांधी मैदान में पहले के सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। उस दिन लोगों को तेजस्वी यादव की यात्रा का भी अंदाजा लग जाएगा। जनमानस की भीड़ तेजस्वी यादव के साथ है। आपको बता दें कि महागठबंधन की रैली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी रजा शामिल होंगे। बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के कई ठिकानों पर छापेमारी। बिहार और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 30 से अधिक ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कीरू जल विद्युत परियोजना अनुबंध देने के जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने छापेमारी की। मालूम हो कि इससे पहले भी सत्यपाल मलिक और उनकी करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। सत्यपाल मलिक 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल थे
और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल का पदभार संभाला था। उन्होंने गोवा और मेघालय में भी राज्यपाल का पद संभाला है और उन्होंने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया था, इसमें से पुलवामा हमला भी शामिल था। तेज प्रताप यादव ने वीडियो शेयर कर कहा, हासिल करना पड़ता है विश्वास। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता का विश्वास ऐसे ही नहीं मिल जाता है, जनता के विश्वास को हासिल करना पड़ता है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और इसके साथ ही वो बीजेपी पर लगातार हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। वो बिहार के अलग अलग जगहों पर जाके जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज है। सचिन तेंदुलकर ने कश्मीर में उठाया क्रिकेट का लुत्फ। भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे हैं। वो पहली बार कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं और इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने स्थानीय लोगों के साथ कश्मीर की गलियों में क्रिकेट खेला है। उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये खूब वायरल हो रहा है और लोगों को ये वीडियो पसंद भी आ रहा है। तेंदुलकर ने कश्मीर की स्थानीय बैट फैक्ट्री की यात्रा की। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और उसमें लिखा है कि उनकी बहन ने उन्हें सबसे पहला बल्ला दिया था और वो बल्ला कश्मीर विलो बैट था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंकित राज, मोहम्मद शकीर हुसैन, नौशाद राजा, गोनर शर्मा, संघर्ष कुमार, धनंजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मुरारी शर्मा, श्रीकंठ चौहान, नंदलाल खान, जफर रवि कुमार राम, सुनील कुमार, नवल किशोर झा, परवीज आलम, रविराज, संजीव कुमार, विकास कुमार। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने पहली बार वोट कब दिया था? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।